लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का आपको बैच मिल जाएगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट टेट के लिए बैचेज उपलब्ध हैं, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैचेज उपलब्ध हैं। और सभी बैच में दोस्तों एक स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्टेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे कि आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को इतनी आसानी से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसकी लाइव क्लास होती है, जो क्लासेस चलाई जाती है लाइव क्लास होती है, इन केस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। और आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पर भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए और अगले टेस्ट में सेम गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अगला जो है दोस्तों वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी करनी है। और डायरेक्टली शिक्षक भर्ती में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जाती हैं। इट मीन्स सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं, वर्तमान किसी परीक्षा के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, तो जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस की बात करें तो कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आप एडमिशन अगर जो लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो हमारा नया बैच प्रारंभ हुआ है वो अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड में टीजीटी के लिए और झारखंड में जेट के लिए नया बैच प्रारंभ है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए नया बैच प्रारंभ है और मध्य प्रदेश में सेट के लिए नया बैच प्रारंभ है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है? चलिए भाई बताइए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया जब भी हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो फर्म होती है ना, वो दीर्घकाल में अपने उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन
सील होते हैं। क्यों परिवर्तनशील होते हैं? क्योंकि दीर्घकाल में एक फर्म को इतना समय मिल जाता है कि वो अपने उत्पादन के जो भी संसाधन है, जैसे श्रम हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे जैसे श्रम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, भूमि हो गया, इन सभी का वो विस्तार कर सकता है। अगर जो कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो दीर्घकाल में, मीन्स 20 साल या उससे ज़्यादा की जब बात होती है, तो दीर्घकाल में धीरे धीरे करके फर्में जो होती हैं ये अपने उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती हैं। और उत्पादन के सभी साधन जो परिवर्तनशील होते हैं वो किस नियम के अंतर्गत होते हैं? वो होते हैं दोस्तों पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत। तो अगर जो आपने पैमाने का प्रतिफल नियम पढ़ा होगा तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पैमाने का प्रतिफल का जो नियम है वो हमें ये बताता है कि दीर्घकाल में एक जो फर्म होता है वो उत्पादन के अपने साधनों, सभी साधनों को आसानी से परिवर्तित कर सकता है। जैसे श्रम को परिवर्तित कर सकता है, तकनीकी को परिवर्तित कर सकता है, भूमि को परिवर्तित कर सकता है, अर्थात अपना विस्तार कर सकता है। और पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत यही तो देखा जाता है ना कि दीर्घकाल में सभी संसाधन परिवर्तनशील होते हैं। तो वही तो बात हो रही है ना कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो संबंध होगा वो पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत होगा। और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे एक साधन परिवर्तनशील होते हैं और अन्य सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि कल्याण अर्थशास्त्र में निजी शुद्ध उत्पाद एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि कल्याण अर्थशास्त्र, अगर जो आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र को पढ़े होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है कि मानव के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आर्थिक, अगर जो कल्याण अर्थशास्त्र की बात करें तो जब हम लोग आर्थिक कल्याण के सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो कल्याण अर्थशास्त्र का सिद्धांत हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है भैया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करेंगे। अर्थात कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। और इसी के संदर्भ में एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने कहा कि निजी शुद्ध उत्पाद क्या होता है एवं सामाजिक शुद्ध उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर फिगू साहब को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब कल्याणकारी अर्थशास्त्र को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप मार्शल को पढ़ेंगे, मार्शल के बाद आपको वहाँ पे फिगू को पढ़ना होता है। फिगू को जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप पैरेटो को पढ़ते हैं, पैरेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उसके बाद आप सीटोवस्की और हिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्रम अगर जो आपको याद होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो जो पीगू साहब थे ना, उन्होंने निजी शुद्ध उत्पाद और सामाजिक शुद्ध उत्पाद की बात की थी। और निजी शुद्ध उत्पाद क्या होगा, निजी शुद्ध उत्पाद का मतलब ये होता है कि ऐसा उत्पादन जो निजी निवेशकों के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो निजी शुद्ध उत्पाद है ना, वो निजी निवेशकों का, जो निजी निवेशक होते हैं तो वो क्या करेंगे, निजी शुद्ध उत्पादन करेंगे। और निजी शुद्ध उत्पाद का मतलब यह है कि जो व्यक्ति इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वो अपने कल्याण को अधिकतम करना चाहता है, अर्थात वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपने कल्याण को अधिकतम किया जाता है, लेकिन सामाजिक शुद्ध उत्पादन के अंतर्गत सामाजिक लाभ के अधिकतम करने की बात होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए भाई, कि संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की आड़ी लोची, तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, संयुक्त मांग क्या उत्तर होगा भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। नविता जी बिल्कुल ठीक है, रुद्रति देवी जी, अक्षय गौरी जी बिल्कुल ठीक है, अनुराधा जी, कुंदन कुमार जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, ममता कुमारी जी, भगवंती जी ठीक है, राजकुमार प्रजापति जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, राजन सिंह जी, अर्चना कुमारी जी, मीसो जी, सभी लोगों से निवेदन है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया, कि संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। तो संयुक्त मांग वाली वस्तु की बात हो रही है, उदाहरण बताइए आप मुझे, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की बात हो रही है, उदाहरण बताइए। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं का मतलब क्या हो गया कि पूरक वस्तु की बात कर रहा है, पूरक वस्तु। और पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तु की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, ठीक है, ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, जैसे हम बात करें कार और पेट्रोल की, ठीक है, कार और पेट्रोल की अगर जो बात करें तो ये संयुक्त वस्तु के मांग का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है कि अगर जो सपोज करिए कि कार की जो कीमत है, कार की जो कीमत है वो बढ़ेगी, अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है ना। तो जब कार की कीमत अगर जो बढ़ रही है तो कार की मांग में कमी आ जाएगी, और जब लोग कार खरीदेंगे ही नहीं तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। तो जब कार की मांग में कमी आ जाएगी तो पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी, अर्थात संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की आड़ी लोच जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, है ना। तो पूरक वस्तुएं या संयुक्त वस्तुएं ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। जब आप यात्रा अगर जो करना चाहेंगे तो कार में पेट्रोल भी चाहिए, या अगर जो आपके पास पेट्रोल है तो कार भी चाहिए, दोनों होगा तभी जा करके आप क्या कर पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सपोज करिए कि कार की कीमतों में वृद्धि होती है तो कार की मांग में कमी आ जाएगी, और अगर जो कार की मांग में कमी आ जाती है तो लोग कार खरीदेंगे ही नहीं तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, तो पेट्रोल की भी मांग में कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि सैमुएलसन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। चलिए भाई, चलिए कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है कि सैमुएलसन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। भाई देखिए, जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ रहे हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले, आप निश्चिंत रहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई जा रही हैं, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों अगर जो आप मुझे 2 महीने से 3 महीने ठीक तरीके से फॉलो कर लेते हैं यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके अंदर अगर जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इतना तो कॉन्फिडेंस आपके पास आ ही जाएगा कि भैया अब हम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, और अगर जो ठीक तरीके से मेहनत करते हैं तो मेरे द्वारा आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है, बस आप इन कंटेंट को फॉलो करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। और आप पेपर देके आएंगे तो कहेंगे सर आप जितना करवा रहे थे वहीं से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रोज क्लास होती है भैया, रोज कुछ ना कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रोज कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते हैं, तो जब रोज पढ़ेंगे ना तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, छोटा क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी के साथ इसको लगातार पढ़ेंगे तो छोटा ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि सैमुएलसन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, तो सैमुएलसन साहब किसकी बात करते हैं, क्या उत्तर आ रहा है भाई। बिल्कुल ठीक है। तो सैमुएलसन साहब बाजारों में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन की बात करते हैं, और इसके अंतर्गत ये क्या बोलते हैं, ये उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताते हैं, और उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में ये बताते हैं कि जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो अपने मांग में भी वृद्धि करता है, और जब अगर जो उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो अपने मांग में भी कमी करता है। और एक जो उपभोक्ता होता है ना वो हमेशा ही विवेकपूर्ण होता है, ठीक है, अर्थात उसका ये विवेक होता है कि भैया जब जो पैसा हमारे पास है वो पैसा हम किन जगहों पे खर्च करें कि जिससे हमें अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी बराबर होता है, एनएनपी किसके बराबर होता है भाई। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है, पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए,
इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNP किसके बराबर होता है? तो DC। अब इस प्रश्न में आप लोग गलती कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी। ठीक है, क्या किया जाता है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है ना। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसमें से क्या करते हैं, घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस क्या करेंगे, मूल्य ह्रास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस दिया गया है, यहाँ पे ये प्लस दिया गया है, शायद मिसप्रिंट है, इसे प्लस नहीं देना चाहिए, माइनस देना चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ना वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसमें से हम क्या कर देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। अब आप कहेंगे सर जी मूल्य ह्रास क्या होता है, तो मूल्य ह्रास टूट फूट व्यय। मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए भैया, उत्पादन करने में जिस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है उस मशीन में टूट फूट आती है, और जब टूट फूट आती है तो उस पर क्या करना पड़ता है कि जो मशीन का ऑनर होता है अर्थात जो उद्यमी होता है वो क्या करता है कि टूट फूट को इम्प्रूव करने के लिए उस पर व्यय करता है, अर्थात मशीन को का कि वो मेंटेनेंस कराता है। तो यही मेंटेनेंस जो होता है वो क्या होता है, घिसावट व्यय होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNP बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास के। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक ठीक अगला प्रश्न क्या उत्तर आ रहा है भाई कि किन्स का रोजगार सिद्धांत संबंधित है? खूबसूरत सा प्रश्न है ये, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया कि किन्स साहब ने जो अपना रोजगार सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो किन्स साहब ने किसकी बात की थी, किन्स साहब ने किसकी बात की थी भैया, किन्स साहब ने प्रभावी मांग की बात की थी ना। किन्स साहब किसकी बात किए थे, किन्स साहब ने कहा था कि अगर जो हमें अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाना है तो हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना होगा। प्रभावी मांग को बढ़ाने का मतलब यह है कि जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है, जहाँ पे समग्र, ठीक है, किसकी बात की थी इन्होंने, प्रभावी मांग की बात की थी, प्रभावी मांग की इन्होंने बात किया था। और प्रभावी मांग क्या होता है, जहाँ पे समग्र मांग किसके बराबर हो जाए, समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। तो इन्होंने देखिए किन्स साहब ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में आप रोजगार के स्तर को बेहतर करना चाहते हैं या आप बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो आपको प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, ये असामान्य समस्या होती है, लेकिन जब पीकू साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो उन लोग की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया अगर जो हमको रोजगार में वृद्धि करना है तो प्रभावी मांग को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, और जब दोनों बढ़ेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगा दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी और देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो ये थियरी है ना, ये जो थियरी है, ये हम जो थियरी रोजगार का रोजगार सिद्धांत की जो थियरी दे रहे हैं, ये थियरी अल्पकाल से संबंधित होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि दीर्घकाल में सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो किन साहब का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकाल से संबंधित है, और उन्होंने ये बोला कि देखिए भैया हम अल्पकाल की बात करेंगे, दीर्घकाल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दीर्घकाल में लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहे भाई, बिल्कुल ठीक है, प्रभावी मांग। अब तो वही प्रश्न आ गया ना, ये तो वही प्रश्न आ गया जो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात होगी ना, ये तो सभी लोग बताएंगे, लेकिन बताएंगे ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करिए, एक बात और मुझे बताइएगा कि प्रभावी मांग की अवधारणा किस पुस्तक में किन्स साहब ने दिया था। आपको तो पता है कि ठीक है सर जी प्रभावी मांग की बात कौन करता है, किन्स साहब करते हैं, लेकिन किन्स साहब ने जिस पुस्तक में प्रभावी मांग की बात की थी
उसका आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसी पुस्तक में उन्होंने प्रभावी मांग की बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को और रोजगार के स्तर को पूरा करना है तो प्रभावी मांग वह मांग होगी जहाँ पे समग्र मांग जो होगा, अभी तो कुछ देर पहले लिखा था, तो जहाँ पे समग्र मांग होगा समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगा तो वही प्रभावी मांग होगा। और जैसे जैसे प्रभावी मांग बढ़ेगा वैसे वैसे देश में रोजगार का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा और बेरोजगारी समाप्त होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि गुरनार मेडल का नवजात अर्थव्यवस्था का तर्क हिस्सा है, थोड़ा आराम से करिएगा। इन्फेंट इकोनॉमी, गुरनार मेडल ने कौन सी थियरी दिया था सर? ठीक है, गुरनार मेडल ने कौन सी थियरी दिया था? चलिए भाई बताइए, मनीषा झा जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, ज्योति चौरसिया जी, बिल्कुल ठीक है, अक्षय गौरी जी, बिल्कुल ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, नविता वट जी, अर्चना कुमारी जी, तस्नीम जी, ठीक है, सुमन शर्मा जी, अर्चना कुमारी जी, मोहम्मद नूरी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं सभी लोग, ए क्यों बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जो गुरनार मेडल साहब हैं इन्होंने नवजात अर्थव्यवस्था का तर्क हिस्सा है संरक्षणवादी विदेशी व्यापार नीति से। तो जो गुरनार मेडल साहब थे ना, उन्होंने ये कहा कि जब एक विकासशील आराम से देखिए, बहुत इजी सी बात है, जब एक विकासशील देश क्या करता है कि विकसित देश से व्यापार करता है, ऐसा ही यही बात प्रेविस ने भी कही थी, जो बात ये गुरनार मेडल साहब ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो ऐसी स्थिति में ये जो विकासशील देश होता है इसे क्या होता है कि इसे बड़ी हानि होती है और इसको क्या होता है, इसको बड़े लाभ होते हैं। क्योंकि जो विकसित देश होते हैं ना, ये बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं अल्प विकसित देशों पे, ठीक है, कहते हैं कि भैया आप अपना प्रोडक्ट ले आइए, लेकिन अगर जो आपका प्रोडक्ट गुणवत्ता के मुताबिक गुणवत्ता पे खड़ा नहीं उतरेगा तो आप प्रोडक्ट लेकर के आए भी हैं और लेके जाएंगे भी, हम आपसे खरीदेंगे नहीं, आपने परिवहन लागत कितना व्यय किया ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में गुरनार मेडल साहब ने ये कहा कि जो विकासशील देश हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको संरक्षणवादी विदेश नीति हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अर्थात जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करें तो विकासशील देशों के हितों की भी बात हम लोग को क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। अर्थात विकासशील देश का किस तरीके से हित हो विकसित देश से व्यापार करने के लिए, ऐसी नीतियां सरकार को तैयार करनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है, जनसंख्या की वृद्धि दर किसे प्रभावित करती है भाई? बिल्कुल ठीक है, और आयोग की मीटिंगें जो है वो लगातार चल रही हैं, समझ लीजिएगा, आयोग की मीटिंगें लगातार चल रही हैं और जो रिजल्ट रहा है चुनाव में वो आपने देखा ही है। तो अब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये है इस रिजल्ट से कि सरकार के ऊपर भी क्या है, सरकार के ऊपर भी ये दबाव है कि सरकार क्या करे, नौकरी दे, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। और इस पे कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरीके से सरकार बनी है, सबका ध्यान है कि अब आने वाले समय में कोई भी सरकार हो अगर जो वो रोजगार नहीं देती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मान के चलिए कि अब बारी आपकी आ रही है, बस मेहनत से बने रहिए, लगे रहिए, आयोग की मीटिंग हो रही है, मैं यही प्रयागराज में ही रहता हूँ तो मुझे समय समय पर सूचनाएँ मिल रही हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, अब अगर जो आपने हैरड मॉडल को पढ़ा होगा तो हैरड मॉडल ने
हैरड साहब ने जो अपना मॉडल दिया था, उस वो मॉडल किस पुस्तक में दिया था? द जनरल थियोरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक, द जनरल थियोरी ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी में उन्होंने क्या दिया था कि अपनी अपनी थियोरी प्रस्तुत किया था, और वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर होगी ना, वो समृद्धि की प्राकृतिक दर को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर किसको प्रभावित करेगी, तो समृद्धि की प्राकृतिक दर को। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और चाकूधार समस्या के अंतर्गत इन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है, जहाँ पे जी ए इज इक्वल टू जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ट्रिकी प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो ट्रिकी प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न जो है वो क्या है, ट्रिकी है, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। अब देखिए बात को ध्यान से समझिए, जो आर्थिक समृद्धि करता है ना, ठीक है, एक होता है आर्थिक विकास और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि। तो ये जो आर्थिक समृद्धि है ना, ये विकसित देशों में देखने को मिलती है, ठीक है, विकसित देशों में देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका में देखने को मिलेगी। भारत में अभी आर्थिक समृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, भारत में आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में क्या होगा, भारत में आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। तो आर्थिक विकास जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो विकासशील देशों में होता है, विकासशील देश में होता है आर्थिक विकास, और आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देश में होता है, ठीक है। और एक देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो होता है तकनीक। लेकिन एक बात और समझिएगा कि केवल तकनीक की बात नहीं होती, आर्थिक समृद्धि जो होता है उसको मापने में हम लोग ये भी देखते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो रही है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हो रही है, और उस देश की टेक्नोलॉजी किस तरीके से विकास कर रही है। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आर्थिक विकास का जो सबसे बड़ा मापक होता है वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होता है, ठीक है, अर्थात मानव के कल्याण में वृद्धि होता है। तो अब बात को समझिएगा, तो आर्थिक विकास विकासशील देश करते हैं, जहाँ पे यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो आधारभूत संरचना और मानव कल्याण में बेहतरी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन बिजली बेहतर होगा, लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे जो विकसित देश होते हैं यहाँ पे आधारभूत संरचना ऑलरेडी इतनी सुदृढ़ होती है कि इन्हें आधारभूत संरचना को बेहतर करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या कर रहे हैं, जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, इतने सारे लोग सी क्यों बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करना, क्या ये एक देश की, अच्छा आप मुझे थोड़ा आराम से बताइएगा कि क्या ये बात सही ज्यादा होगी या ये बात ज्यादा सही होगी कि एक देश के प्रति व्यक्ति आय में 5% की वृद्धि दर हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ज्यादा बेहतर होगा या ऑप्शन नंबर सी ज्यादा बेहतर होगा। उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करना, ठीक है, इट मीन्स कि क्या होगा कि अपने देश में जो टेक्नोलॉजी का स्तर है वो बेहतर है, इसीलिए तो हम अपने देश में निर्मित टेक्नोलॉजी को जो कि उच्च है उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश में हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो दोस्तों हम लोग रूस से, इसीलिए तो हम लोग रूस से क्या किए थे, क्या किए थे कि लड़ाकू विमान मंगाए थे, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्यों, तो भैया ये बात निश्चित है कि जो अमेरिका है, अमेरिका हो गया चाहे जो भी विकसित देश है, जैसे आप किसी भी विकसित देश की टेक्नोलॉजी जो लेकर के अपने देश में आते हैं ना, वो उस देश में आज से 25 साल 30 साल पहले ही इन्वेंट हो गया था, अब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, ठीक है। आपको लगता है कि राफेल जो है वही क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली या उच्च
टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनके पास क्या है, उससे भी बड़ा है, ठीक है, उससे भी बेहतर है। तो उन्होंने क्या कर दिया, भारत को बेच दिया, पैसा ले लिया भारत से। उसके बाद उन्होंने ये पैसा अपने टेक्नोलॉजी में वो लोग लगा देंगे और क्या होगा भैया। अगर जो उनके देश में टेक्नोलॉजी होगा तभी तो जाकर क्यों निर्यात करेंगे ना, ठीक है। तो इस बात को समझिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन प्रश्न जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि बड़े धक्के का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऊंचे स्तर के विनियोग के महत्व पर जोर देता है, किसके अलावा, ठीक है। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी बहुत अच्छी बात है भैया। रोजेस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था। रोजेस्टीन रोडान ने क्या कहा था, बड़े धक्के का सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि एक जो देश है ना वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, अर्थात यहाँ पे लोगों की आय जो है वो बहुत कम है। तो लोगों की जब आय कम है तो निवेश वो कैसे करेंगे, निवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आय कम है, निवेश कम करेंगे तो भैया उनकी आय क्या होगी, आय स्तर उसी स्तर पे वो लोग बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में निवेश करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में एक तरफ मांग बढ़ेगा और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। तो जब मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होगा, और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो देश का आर्थिक विकास होना निश्चित ही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़े धक्के का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऊंचे स्तर के विनियोग को महत्व ऊंचे स्तर के विनियोग के महत्व पर जोर देता है, केवल और केवल सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी को यह महत्व नहीं देता है, ठीक है। सामाजिक ऊपरी व्यय मतलब, सामाजिक ऊपरी व्यय का मतलब उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने स्टेटस को चमकाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनके लड़के की शादी है या लड़की की शादी है, 5,000 लोगों को इकट्ठा कर दिए। 5,000 लोगों को इकट्ठा करने का मतलब है कि कोई 5,000 लोगों को इकट्ठा कर रहा है तो कम से कम 50,00,000 रुपए उसे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, सामाजिक ऊपरी व्यय हो जाएगा और इसका उत्पादन में और विकास में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादन फलन में कुल साधन उत्पादकता किसके योगदान का मापक है। थोड़ा आराम से करिएगा, आज के जो प्रश्न है वो थोड़े ट्रिकी हैं, एक दो बार सेशन को देख लीजिएगा, है ना। कि उत्पादन फलन में कुल उत्पादन फलन में कुल साधन उत्पादकता किसके योगदान का मापक होता है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उत्पादन फलन क्या होता है भाई, उत्पादन फलन क्या होता है, आगत और निर्गत में फलनात्मक संबंध को ही तो उत्पादन फलन बोलते हैं। आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, बताइए कमेंट करके आप लोग मुझे। आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को तो ही उत्पादन फलन बोलते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, बताइए सभी लोग कमेंट करके कि आगत क्या होता है और निर्गत क्या होता है। तो आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन बोलते हैं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन बोलते हैं, और इसमें उत्पादन फलन में किसका योगदान होता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी डी होगा, अच्छा भैया ठीक है, हम डी मान लेते हैं कि पूंजी का होगा, श्रम का होगा और कच्चे माल का होगा, देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो श्रम एवं पूंजी दिया गया है ना, सी में भी तो दिया गया है। लेकिन अगर जो आप सी की बात करें, आप डी की बात करें, तो इसमें सबसे बेहतर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्योंकि क्यों डी है, क्योंकि भैया उत्पादन की ये सभी साधन है, चाहे पूंजी की बात करें, चाहे श्रम की बात करें, चाहे कच्चे माल की बात करें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगत क्या होता है? प्रतिफल होता है। और निर्गत क्या होता है? साधन होता है। मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अर्थात जो आप लागत लगा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका निर्गत। और जब उस वस्तु को आप उत्पादित करके बाजार में बेचेंगे और बाजार में बेच करके जो आय प्राप्त करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आगत। ठीक है, तो यही आगत और निर्गत में फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन बोला जाता है। और उत्पादन, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है। पूंजी, पैसा होना चाहिए, मजदूर होने चाहिए अर्थात श्रम होना चाहिए, और कच्चा माल होना चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में मजदूरी वस्तु मॉडल किसने प्रतिपादित किया? एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पेपर में आपके पूछे गए हैं कि मजदूरी वस्तु मॉडल क्या होता है। चलिए बताइए भाई, मजदूरी वस्तु मॉडल क्या होता है और किसने दिया था, ये बात आपको बतानी। क्या होता है भाई, ये बताइए तो आप मुझे कि मजदूरी वस्तु मॉडल होता क्या है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। सभी लोग ये बोल रहे हैं क्या? एक के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मजदूरी वस्तु मॉडल। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि प्रोफेसर सी एन वकील एवं प्रोफेसर पी आर ब्रह्मानंद, वकील एवं ब्रह्मानंद ने वस्तु मजदूरी मॉडल दिया। अर्थात वस्तु मजदूरी मॉडल के अंतर्गत क्या है, आपने बचपन में देखा होगा कि अब तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन बचपन में ऐसी हुआ करती थी, आज से 20-30 साल पहले हुआ करता था, कि मजदूर आते थे आपके घर और मजदूर कहते थे कि हमको आप एक कपड़ा दे दीजिएगा, थोड़ा सा हमको खाने पीने के लिए क्या कर दीजिएगा, चावल दे दीजिएगा, गेहूं दे दीजिएगा, उसके बाद हमें थोड़ा सा तेल दे दीजिएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है मजदूरी वस्तु मॉडल, कि हम आपको जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए नगदी नहीं देंगे, मुद्रा के रूप में पैसा नहीं देंगे, हम आपको कोई वस्तु दे देंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है। चलिए भाई, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हमारी क्लास होती है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो एक निश्चित अवधि में, खास करके एक वित्तीय वर्ष की बात होती है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, कमेंट करके सभी लोग बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है। तो एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य हुए लेन देन के व्यवस्थित विवरण को हम क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भुगतान शेष। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भुगतान शेष का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है ना, लेन देन कर रहा है ना, अमेरिका से लेन देन कर रहा है, रूस से लेन देन कर रहा है, ठीक है, अमेरिका से लेन देन कर रहा है, रूस से लेन देन कर रहा है, ठीक है, जर्मनी से लेन देन कर रहा है, ठीक है, जर्मनी से लेन देन कर रहा है। तो एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ किसी एक निश्चित अवधि में सभी लेन देन का व्यवस्थित विवरण ही भुगतान शेष कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अर्थात भुगतान शेष के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरीके का लेन देन कर रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, 1 अप्रैल से लेकर के 31 जून, क्या ये सही है?
जून होगा, जून थोड़ी होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्या उत्तर होगा भाई? अगला प्रश्न है कि पारस्परिक मांग का सिद्धांत। अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वहाँ पे एडम स्मिथ साहब को, जो निरपेक्ष लागतों में अंतर का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन लागत अलग अलग होती है। उसके बाद डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब तुलनात्मक लागत का सिद्धांत देते हैं, और उसी के जस्ट बाद आते हैं दोस्तों जे एस मिल साहब पारस्परिक मांग के सिद्धांत को लेकर के, ठीक है। उसी के बाद क्या होता है कि जे एस मिल साहब आते हैं पारस्परिक मांग के सिद्धांत को लेकर के, और पारस्परिक मांग सिद्धांत क्या है भाई, पारस्परिक मांग सिद्धांत क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पारस्परिक मांग सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो देश एक दूसरे से आपस में व्यापार कर रहे हैं वो मांग के आधार पे कर रहे हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बात का निर्णय होगा कि किस देश की मांग क्या है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भैया सभी को कार यूज करना है, सभी को बाइक यूज करना है, तो भारत में पेट्रोलियम की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भारत में पेट्रोल की मांग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो देश, जिन देशों के पास पेट्रोलियम है वो देश क्या करेंगे, भारत को निर्यात करेंगे पेट्रोल, ठीक है। तो पारस्परिक मांग की अवधारणा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो जे एस मिल साहब के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कि स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है, एक बार नहीं ये अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आप लोगों के सामने से बहुत कम बार ऐसे प्रश्न होकर के गुजरते हैं। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग इकोनॉमिक्स के बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्टेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात वहाँ पे थियरी की क्लास चल रही है। अगर जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही हैं। लाइव क्लास होती है, इनकेस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको वहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि यही गलती करता है कि वो टेस्ट सीरीज देता ही नहीं है। जब आप टेस्ट देते हैं ना तो आप बहुत बार जब एग्जाम दे करके आते हैं तो बोलते हैं कि सर जी क्वेश्चनवा तो बहुत आसान था लेकिन पता नहीं कैसे गलती हो गया। तो क्यों गलती हो गया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम थी, आपने उस तरीके का टेस्ट नहीं दिया, उस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेस्ट दीजिए, ज़्यादा मत टेस्ट दीजिए, सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट दीजिए, और जब टेस्ट दीजिए तो उसका इवैल्यूएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहाँ से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, और अगले टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और आपको करेंट भी कवर कराए जा रहे हैं। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। एडमिशन ओपन है दोस्तों, जो आपकी एडमिशन की फीस है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस, आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि स्वर्ण निर्यात बिंदु अर्थात गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट जो होता है वो बराबर होता है टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत के, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए ही क्या होता है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके आगे पीछे बहुत लंबी चौड़ी थियरी है।
अगर जो सारी बातों को आप समझेंगे नहीं तो एक लाइन में इसे तैयार करना मुश्किल होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, किसकी स्थापना में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का अदा किया है? ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है भैया? विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? आईएमएफ के साथ होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होती है ना, 1945 में इसकी स्थापना होती है और ये कार्य शुरू करता है 1946 में। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में और कार्य शुरू करता है 1946 में। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना होती है, अर्थात आईएमएफ की स्थापना होती है, लेकिन आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है और ये कार्य शुरू करता है 1947 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहने बोला जाता है, ठीक है, या ट्विन सिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दो संस्थाएं हैं जिसे जुड़वा बहने बोला जाता है, तो वो है दोस्तों विश्व बैंक और आईएमएफ। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इजी सी बात है, जितने भी महानुभाव सी बोलेंगे, आईसीआईसीआई की स्थापना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आईसीआईसीआई की स्थापना में, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1955 में। ठीक है, तो विश्व बैंक की सहायता के द्वारा ही दोस्तों आईसीआईसीआई की स्थापना हो जाती है 1955 में, और ये जो है वो विश्व बैंक की तरह ही क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, विस्फीति या स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें पाए जाते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है भाई? स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में विस्फीति भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। मैं दो दो घंटे आपकी क्लास ले रहा हूँ, अगर जो आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, आप बताइए। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, स्टैगफ्लेशन एक बार नहीं दसन बार आपके पेपर में पूछा गया है, क्या उत्तर होगा भाई? और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइएगा कि और इसे किस तरीके, स्टैगफ्लेशन को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर जो दोस्तों एक साथ अर्थव्यवस्था में एट द सेम टाइम बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि मंदी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि भैया जब बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मतलब कि उत्पादन कम हो रहा है, जब उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। ठीक है, और मुद्रा प्रसार का मतलब क्या होता है? मुद्रा प्रसार का मतलब क्या होता है? महंगाई। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति बोलते हैं। जिसे हम लोग मुद्रा स्फीति बोलते हैं या जिसे हम महंगाई बोलते हैं। तो देखिए ये तीनों चारों टर्म यूज हो सकता है, या तो आपको बेरोजगारी और मुद्रा प्रसार दे सकता है, या तो आपको मंदी और महंगाई दे सकता है, या तो आप सतत मंदी और सतत मुद्रा स्फीति दे सकता है, अर्थात एक तरफ वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी क्या होता है? निरंतर रूप से वृद्धि देखने को मिलता है। यही होता है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उससे क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, चलिए भाई बताइए। राकेश पांडे जी,
बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया आपने। अमन सिंह जी, एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट है ना, वो इतनी बार यहाँ पे पढ़े हैं ना कि सबका नाम मुझे याद हो गया है। ठीक है, सबका नाम मुझे लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी दो चार महीने पढ़ते हैं ना, सबका नाम याद है। और विश्वास मानिए, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जब आप हमसे मिलेंगे और कहेंगे कि सर आपके चैनल पे हमने पढ़ा था, तो मैं निश्चित तौर पे आपको पहचान जाऊंगा, निश्चित तौर पे पहचान जाऊंगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ आप लोग के कमेंट को देखता हूँ, आपके नाम को देखता हूँ। चलिए, क्या उत्तर होगा बताइए। कि पूर्ण रोजगार के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगा तो क्या होगा? ये देखिए, अब यहाँ पे भी कई लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। अरे भाई, पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? पूर्ण रोजगार का ये मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करके हम उत्पादन के स्तर को अधिकतम कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है, अर्थात मांग को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति अगर जो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो लोगों की मांग में वृद्धि होगी। और जब मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति में वृद्धि हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ऑलरेडी हम उत्पादन के अधिकतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उत्पादन अर्थात पूर्ति कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा था कि कोविड के समय में जो कीवी फल 10 रुपए में एक मिलता है, कोविड के समय में वो 50 रुपए का एक मिल रहा था। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या हो गया भाई? क्या बोल रहे हैं? चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और देखिए, आप सभी लोग के सहयोग से ही, आप सभी लोग के सहयोग से ही ये क्लासेस इतने समय से चल रही है, लगातार चल रही है और चलती भी रहेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी आपको इकोनॉमिक्स की इतनी सारी क्लासेस देखने को मिलती होगी। ठीक है, और रेगुलर होती है, चूँकि आप लोगों से जब हमारी बात होती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम एडमिशन कहीं ले लिए, वहाँ पर क्लासेस ही नहीं होती है, वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता है, वहाँ पे बस कह दिया जाता है कि एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा, तो आप लोग फीस भी देते हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लिए हैं वो सभी लोग लाइव भी होंगे, उनके सामने ही मैं बोल रहा हूँ कि ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है। कभी कभी हो सकता है कि मेरी स्वास्थ्य अगर जो ठीक नहीं है, चाहे अन्य कोई कारण, तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास नहीं होती है, अदरवाइज ईच एंड एवरी डे एप्लीकेशन पे भी क्लास होती है और यूट्यूब पे भी क्लास होती है। तो बहुत आराम से और धैर्य से आप हमारे साथ बन करके रह करके सारे कंटेंट को आराम आराम से पढ़ के, सीख के, समझ के और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कौन मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है? अच्छा, ये बताइए, जब आप बचत करेंगे तो आप पैसा अपने पास रख लेंगे, तो ये मुद्रा की पूर्ति है क्या? ठीक है, मुद्रा की ये पूर्ति होगी क्या? सेविंग तो आप अपने पास रख लेंगे ना, बचत तो अपने पास रख लेंगे, तो इसे मुद्रा की पूर्ति कही जा सकती है क्या? इसे मुद्रा का बचत कहा जाएगा। ठीक है, इसे मुद्रा का क्या कहा जाएगा? बचत कहा जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, ठीक है। टॉपिक आपको मैंने दे ही दिया है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बात करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने बताया था, या मानवीय संपत्ति की बात किस अर्थशास्त्री ने किया था? चलिए भाई बता दीजिए, मानवीय संपत्ति की बात किसने किया था? बिल्कुल ठीक है। देखिए भैया, मानवीय संपत्ति का मतलब क्या होता है? मानवीय संपत्ति का मतलब ये होता है ना कि जो आपके फैमिली वाले हैं, चाहे जो हमारे फैमिली वाले हैं,
वो सभी लोग यही तो चाहते हैं ना कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या हो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना कि जो हमारे बच्चे हो उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनका स्वास्थ्य का स्वास्थ्य का स्तर ठीक रहे, ठीक है। तो अगर जो उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उनके स्वास्थ्य का स्तर ठीक होगा, उन्हें शुद्ध पेय पदार्थ मिलेगा, अच्छी सॉरी शुद्ध पेय जल मिलेगा, अगर जो उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, अगर जो अच्छा रहने के लिए उन्हें भवन मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होंगे, ज़्यादा कार्यकुशल हो जाएंगे, और जब ज़्यादा कार्यकुशल हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि अपने देश की उत्पादन को क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर किसकी बात बोल रहे हैं, बी की बात बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, फ्रीडमैन साहब की, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को समृद्ध किया फ्रीडमैन साहब ने। तो फ्रीडमैन साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, आप मानवीय संपत्ति का विकास करिए, अर्थात लोगों को शिक्षित करिए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दीजिए, उनको रहने के लिए आप अच्छी व्यवस्था करिए, जगह दीजिए। मतलब ये सरकार से वो कह रहे हैं कि अगर जो आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जब वो शिक्षित होंगे, जब उनके पास अच्छा कौशल होगा, तो वो कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपना बेहतर कर पाएंगे और राष्ट्र का विकास करा पाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यय का विकास, सार्वजनिक व्यय की विकास दर आर्थिक विकास की दर से अधिक होती है, ये कौन सा नियम कहा गया है भैया, किस नियम के अंतर्गत ये बात कही गई है। चले भाई, राजकुमार प्रजापति जी, कविता सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, मालती सोलंकी जी, रीता कश्यप जी, उर्मिला कुमारी जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, अरुदत्ती देवी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अली कंबर जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करिए। अर्चना कुमारी जी, वैष्णवी जी, बिल्कुल ठीक है, ज्योति जी, सुरेखा जी, बबीता जी, राजन सिंह जी, वर्मा जी, तस्नीम खान जी, ठीक है, अरुदत्ती देवी जी, ललिता साके जी। साथ में जब आप लोग का नाम पढ़ना शुरू करता हूँ तो कुछ लोग बहुत और कमेंट करने लगते हैं, इतना तेज़ी से उत्तर आने लगता है कि सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। पारस जी, ठीक है, सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैगनर साहब की बात बोल रहे हैं। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी भूलेंगे नहीं इस बात को, वैगनर साहब का नियम क्या बताता है। तो पहले तो ये देखिए कि ये प्रश्न क्या है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यय की विकास दर आर्थिक विकास की दर से अधिक होती है, ये बात कही गई थी दोस्तों वैगनर साहब के द्वारा, ठीक है। तो वैगनर साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, जब किसी राज्य में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ता है ना, तो उस राज्य में मांग व पूर्ति दोनों क्या होती है, बढ़ती है। और जब मांग व पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है कि राज्य का क्रियाकलाप बढ़ जाता है, और जब राज्य का क्रियाकलाप बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मांग व पूर्ति बढ़ने लगती है, देश का उत्पादन बढ़ने लगता है और देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए भाई, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। क्या उत्तर है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं क्या, एंटोनियो डी वीटी डी मार्को, ठीक है, एंटोनियो डी वीटी डी मार्को, ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, लेकिन फिर भी वीटी याद रखिएगा और मार्को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि तरलता जाल
कि समस्या उत्पन्न होती है जब, अब भैया तरलता जाल क्या होता है कमेंट करके बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तरलता जाल का मतलब क्या होता है, मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, आप इसे भूलेंगे कभी नहीं, बस आराम से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ठीक है। तरलता जाल का मतलब क्या होता है, तरलता जाल का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको पता है कि सरकार क्या करती है, सरकार राजस्व कलेक्ट करने के लिए एक तो कर लगाती है और दूसरा क्या करती है, सरकार ऋण लेती है, ठीक है। तो सरकार ऋण आंतरिक ऋण भी ले सकती है, अर्थात अपने घरेलू अर्थव्यवस्था से भी ले सकती है, और वो बाह्य ऋण भी ले सकती है, अर्थात विदेशों से भी वो ऋण ले सकती है, ठीक है। तो अगर जो घरेलू ऋण, ठीक है, अगर जो घरेलू ऋण जो है इससे ज्यादा हम क्या करते हैं, घरेलू ऋण से ज्यादा हम क्या करते हैं, विदेशी ऋण ले लेते हैं, विदेशी ऋण ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम ऋण जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमें विदेशी ऋण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भैया विदेशी ऋण लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि 50 लाख करोड़ रुपए ले लिए या 50,000 करोड़ रुपए ले लिए, क्योंकि जब हम ऋण लेते हैं तो कोई 2-4-10 रुपया थोड़ी लेते हैं हम, जब सरकार ऋण लेती है तो 500-1000 रुपया ऋण थोड़ी लेती है, वो तो 5000 करोड़ 10000 करोड़ इस तरीके की बातें होती हैं। तो जब तरलता जाल की स्थिति कब, सॉरी ऋण जाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब सरकार जितना घरेलू ऋण ली है उससे ज्यादा वो विदेशी ऋण प्राप्त कर लेती है ना, तो ऐसी स्थिति में वो अर्थव्यवस्था ऋण जाल में क्या होती है, फंस जाती है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, अब आगे देखिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक एक तो ये हो गया कि ऋण जाल, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब सरकार जो है वो ऋण चुकाने के लिए ऋण ले, ठीक है, सरकार क्या करे कि जब विदेशी ऋण चुकाने के लिए वो ऋण ले रहा है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, तरलता जाल बोलेंगे, सॉरी ऋण जाल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने रूस से ऋण लिया है, कह दिया रूस से हमने ऋण लिया था आज से 50 साल पहले, और रूस ने हमें मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए ऋण दिया था आज से 5 साल पहले, इमेजिनेशन के रूप में, हालांकि हम लोग भारत बहुत सारे देशों से ऋण लिया है। तो भारत के सामने अगर जो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो 50,000 करोड़ या 5 करोड़ जो भी ऋण हमने रूस से लिया या किसी भी देश से लिया है, अब उसकी समय, अब उसका तय सीमा खत्म हो जाता है और अब ऋण वो हमें चुकाना है, लेकिन अब ऋण चुकाना है तो जो वर्तमान समय में सरकार है उस सरकार के पास उतना राजस्व ही नहीं है कि वो ऋण चुका पाए। तो ऐसी स्थिति में उस ऋण को चुकाने के लिए क्या करता है कि सरकार जब ऋण लेता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऋण जाल बोलते हैं। तो जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि विदेशी ऋण घरेलू ऋण से अधिक हो जाता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ठीक है, तो ऋण जाल से संबंधित दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ऋण जाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ये तब उत्पन्न होती है जब सरकार के द्वारा लिया गया विदेशी ऋण ज्यादा होता है और घरेलू ऋण कम होता है, अर्थात सरकार घरेलू ऋण से ज्यादा विदेशी ऋण ले लेता है तो ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या सरकार अगर जो ऋण चुकाने के लिए ऋण ले रहा है तो उसे ही ऋण जाल की अवस्था कहते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ऋण जाल क्या होता है ये बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि ऋण जाल की अवस्था क्या होती है। तो ऋण जाल का मतलब ये होता है कि सरकार ऋण चुकाने के लिए ऋण ले रही है, ठीक है। अगला, बिल्कुल ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि शेष एक प्रकार है, शेष क्या होता है भाई, शेष क्या होता है बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शेष क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहां पे गांव से शहर के बीच में नदियां पड़ जाती हैं, ठीक है, गांव से शहर के बीच में नदी पड़ जाती है,
कोई पुल होता नहीं है तो नाव के द्वारा ही क्या करते हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं वहाँ, वो क्या होता है कि गांव के लोग व्यापार नहीं कर पाते हैं शहर में जा करके। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो सरकारें होती हैं ना, वो लोगों पे थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देती है, और वो जो टैक्स बढ़ा देती है तो उससे जो इनकम मिलता है सरकार को, उसी इनकम का प्रयोग करके वो क्या करती है कि पुल बनवा देती है नदियों पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सेस का मतलब ये हो गया कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर के द्वारा संग्रह किया जाने वाला आय ही सेस कहलाता है। कि भैया ठीक है, रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, नदी के ऊपर पुल बनवाना है, तो ठीक है यहाँ के लोगों के ऊपर थोड़ा टैक्स ज्यादा डालिए, क्योंकि यहीं के लोग तो लाभान्वित होंगे। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब ऋण लगाया जाता है तो उसे ही सेस कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ये खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। चलिए भाई बताइए, शिवानी श्रीवास्तव जी, पूजा मिश्रा जी, भगवंती जी, ठीक है, ललिता साक्य जी, कविता जी, तस्नीम जी, पूजा मिश्रा जी, ठीक है, राजन सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, अली जी, वर्मा जी, ठीक है, वैष्णवी त्रिवेदी जी, चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि बंजर भूमि को सघन जंगल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था को ऋण के लिए ऋण के लिए संपर्क किया जा सकता है। अर्थात अगर जो आपके पास बंजर भूमि है, ठीक है, और इस बंजर भूमि को आप क्या करना चाहते हैं, फर्टाइल करना चाहते हैं, अर्थात उत्पादन योग्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर जो जंगल भी लगा रहे हैं तो पेड़ भी आप लगा रहे हैं, तो एक तरीके से पेड़ भी तो क्या, एक तरीके से आप उत्पादन ही तो कर रहे हैं ना, उसको फर्टाइल ही तो बना रहे हैं ना। बंजर भूमि पे कुछ नहीं उगता है, बंजर भूमि जो होता है उस पर कुछ भी नहीं उगता, उस पर पेड़ भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके कॉमन सेंस की, अगर जो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे, IDA, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, या इसे सॉफ्ट विंडो लोन भी बोलते हैं, खिड़की। और ये जो है दोस्तों, ये IDA की जो स्थापना होती है, ये IDA की स्थापना कब होती है, ये होती है 1960 में। और आपको क्या करना है कि कौन, क्या क्या कॉमन सेंस लगाना था, कि जो संस्था दीर्घकालिक ऋण दे रही होगी, वही संस्था क्या करेगी, उसी संस्था से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो IDA, जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बात कर रहा है। IDA का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है, अर्थात IDA जो है, ये क्या करता है, ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या होता है कि 20 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए जब कोई संस्था आपको ऋण दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, तीन प्रकार के ऋण होते हैं, एक होता है अल्पकालिक। तो अल्पकालिक मतलब खास करके जो किसान होते हैं ना, वो बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए भैया, हमको फसल बोनी है, हमको अच्छी बीज खरीदनी है, हमको खेत में पानी चलाना है, तो हमें थोड़ा सा आप अल्पकाल के लिए ऋण दे दीजिए, जैसे ही हमारी फसल उग जाएगी, हम फसल को काट करके उससे लाभ कमाएंगे, आपका ऋण वापस करेंगे। तो जब 0 से 16 महीने की बात होगी तो वो अल्पकालिक ऋण होगा। उसके बाद दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मध्यकालिक ऋण, ठीक है। तो मध्यकालिक जो ऋण होता है ना, इसकी अवधि होती है 5 वर्ष। अर्थात अगर जो किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी किसान को अगर जो पंपिंग सेट खरीदना है, तो वो बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि हमको आप मध्यकालिक ऋण दीजिए, क्योंकि एक फसल के द्वारा तो हम आपके सारे ऋण को चुका नहीं पाएंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि ऋण आपको चुका देंगे। और तीसरा होता है दीर्घकालिक ऋण, जो भूमि अनुपजाऊ होती है, बंजर होती है, उसके लिए किसान बैंक के पास जाता है, या आप IDA के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए भैया,
हमारा जो भूमि है वो बिल्कुल बंजर है, इसे उत्पादन योग्य हम करना चाहते हैं और इसमें हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है हमें, तो आप हमें दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड कर दीजिए। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है। अगला, कि भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी, भारत की ऐसी कौन सी योजना है जो सोवियत मॉडल पे आधारित थी, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या 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 उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, नहीं ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई समस्या है क्या? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या याद आ रहा है? ए बी। अब देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी, तो जो सोवियत मॉडल था ना दोस्तों, ये किस पे आधारित था? ये आधारित ये था कि हमको उद्योगों का विकास करना है, उद्योगों के विकास पर बल, ठीक है। तो इस मॉडल के अंतर्गत क्या किया गया कि उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और आपने देखा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरिट डोमर मॉडल पे आधारित थी और उसमें मुख्य रूप से कृषि के विकास पे बल दिया गया। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है जो पीसी महालनोबिस मॉडल है, पीसी महालनोबिस मॉडल है, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल है, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये उद्देश्य था ना कि हमें अपने उद्योगों का विकास करना है। तो भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी, तो वो थी दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो जितने लोग भी आपसे नंबर सी बोल रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था वो कब से कब तक चला था? वो चला था दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक ये चला था, ठीक है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पे आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और जैसा कि आपको बताया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और इसमें उद्योगों के विकास पे विशेष बल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, कि भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है। अच्छा, समानांतर अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, कमेंट करके बताइए कि समानांतर अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग बैचेज चल रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, फिर उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पिछली टेस्ट में हुई थी। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, शिक्षक भर्ती में खास करके, और प्रीवियस और आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप एप्लीकेशन पे इनको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की जो वैलिडिटी होने वाली है वो लाइफ टाइम होने वाली है, इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपकी एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो समानांतर अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं काला धन की अर्थव्यवस्था, ठीक है।
और काला धन क्या होता है, काले धन का आशय क्या होता है, ऐसा धन जो सरकार की नजर में न हो। अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं कि सरकार को टैक्स न देना पड़े, इस वजह से वो अपने आय को सरकार के सामने दिखाते नहीं। तो टैक्स की चोरी होती है ना दोस्तों, अगर जो कोई पैसा है और उस पैसे पर टैक्स की चोरी की जा रही है, अर्थात वो सरकार की नज़र में नहीं रखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वही तो काला धन कहलाएगा। और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं ना कि भारत का सबसे ज़्यादा काला धन जो है वो स्विस बैंक में है। क्यों? क्योंकि जो स्विस बैंक है ना, वो आपका कोई आपका पैसा काउंट नहीं करता है, वो आपको एक लाकर दे देगा, जाइए आप अपना पैसा उसमें रख दीजिए, आप 2 रुपए रख रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए रख रहे हैं, डजेंट मैटर, आप जाइए उसमें पैसा रख दीजिए, आपको एक लाकर मिल जाएगा, चाबी आपको मिल जाएगी, आप जाइए उसमें रखिए, निकाल करके लाइए, उसमें कोई भी लेखा जोखा आपके पैसे का कोई नहीं लगाने वाला है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बेहतरीन सा प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 1999 में भारत सरकार द्वारा व्यापक कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अर्थात ये जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, ये पहले क्या था, ये था दोस्तों व्यापक कृषि बीमा योजना, लेकिन अब उसके जगह पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाया गया, ठीक है। और ये प्रायोजित जो किया जाता है, अर्थात इसका जो नियंत्रण होता है, वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की आय का स्रोत नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य सरकार की आय का स्रोत नहीं है। अच्छा नहीं, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार की आय का स्रोत है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, देखिए राज्य सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना, वो कौन सा है, वो है दोस्तों बिक्री कर, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बिक्री कर है। उसके बाद राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मनोरंजन कर ठीक है। अगर जो आप मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो आप टिकट खरीदते हैं तो उस पर यही मनोरंजन कर लगता है। आप अगर जो क्या देखने जा रहे हैं, आप सर्कस देखने जा रहे हैं, सर्कस का अगर जो टिकट खरीद रहे हैं, तो उस पर भी मनोरंजन कर लगता है। और उसके बाद दोस्तों भू राजस्व कर, ये भी क्या है, राज्य सरकार की आय का स्रोत है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य है। चलिए भैया बता दीजिए, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना एप्लीकेशन पे यही तो पढ़ाया जा रहा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 2002 से लेकर के 2007 तक चली थी ना, 2002 से 2007 तक चली थी ना, 2002 से लेकर के 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अब आप 1 अप्रैल और 31 मार्च लगा लीजिएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, 8% रखा गया, लेकिन विकास की जो प्राप्ति हुई वो कितना हुआ, वो 7.6% हुआ, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये विकास की जो दर रखी जाती है, वो वार्षिकी में रखी जाती है कि पंचवर्षीय में रखी जाती है, कमेंट करके बताइए। क्या हम लोग इस विकास की दर को वार्षिकी में प्राप्त करते हैं या पांच वर्षों पे प्राप्त करते हैं, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला, वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत किसने दिया था भाई? वितरण का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, पहले वार्षिक विकास की दर देखते हैं, ठीक है? पहले वार्षिक विकास की बात देखते हैं, ठीक है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है कि वितरण का सिद्धांत किसने दिया सर? वितरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आई होप कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो वितरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत किसने दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वितरण का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था दोस्तों जेबी क्लार्क ने, ठीक है? क्या, किसने दिया था? जेबी क्लार्क ने दिया था। और जेबी क्लार्क साहब ने ये कहा था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या प्राप्त करते हैं? अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? मजदूरी नहीं, परिश्रम बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अर्थात श्रमिकों, सॉरी, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वितरण का सिद्धांत हमें बताता है कि साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर ही क्या होता है? परिश्रमिक प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो बी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि प्रत्येक साधन इकाई के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात वितरण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि किसी साधन की जो कीमत होगी ना, वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होगी। अर्थात कोई भी जो साधन है, उस साधन की जो कीमत निर्धारित होगी, वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही निर्धारित होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि समाज की वस्तुगत आय, समाज की वस्तुगत आय का वह भाग जो मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है तथा जिसमें विदेशों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है, राष्ट्रीय आय है। ये बात किसने कहा था? अब देखिए, प्रश्न हो जाता है यहीं पे खत्म, यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है। बस अगर जो आपने इतना पढ़ लिया तो प्रश्न खत्म हो जाता है। क्योंकि पीगू साहब ने ये कहा कि देखिए भैया, जब राष्ट्रीय आय की आप माप करिए ना, तो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय की माप में सम्मिलित करिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक माप संभव है। अर्थात जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में, जिन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं, अर्थात जिसका मौद्रिक मूल्य संभव है, जिसका मौद्रिक मूल्य पता लगाना संभव है, केवल और केवल उन्हीं को हम क्या करेंगे कि उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित करेंगे। जैसे कि हम कहें कि सोच, तो सोच जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम किसी सोच को कैसे आकलित कर पाएंगे? आकलित कर पाएंगे क्या? हम कहेंगे आनंद, तो आनंद को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है क्या? दुख, कष्ट, इसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है? ये जो पेन है, ये पेन मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है, ठीक है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, अमन सिंह जी, नीलम कुमारी जी, बबीता जी, ठीक है, कविता जी, शत्रुघ्न जी, अफजल हसन जी और मिला कुमारी जी, ठीक है, ज्योति चौरसिया जी, सदानंद मिश्रा जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहा करिए। और जो लोग भी कंटिन्यू क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए जो 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 पढ़ाई है ना, वो कृषि के समान है, खेती के समान। रोज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो थोड़ा सा ओला पड़ गया या थोड़ी सी बरसात हो गई ना, तो पूरे साल भर की मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी। तो बिल्कुल जो पढ़ाई है ना, वो कृषि के जैसे ही है, खेती के जैसे है। रोज आपको जा करके देखना पड़ेगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई समस्या वहाँ पे क्रिएट हो रही है, कहीं खेत में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूखा पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कीड़े लग रहे हैं। तो भैया दिन प्रतिदिन उसका आपको रख रखाव करना पड़ेगा। और पढ़ाई भी यही है कि अगर जो आप 15-20 दिन ऐसे ही छोड़ दिए, तो आप मान के चलिए कि जितना आप पढ़ें उसका 30-40% ही आपके दिमाग में रहेगा, बाकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको भूल जाएंगी। तो कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू रहेंगे तो कम से कम आपको सारी चीज़ें एक
एक वे में समझ में आएंगी और आप ठीक तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक वे से एक फ्लो में आगे बढ़ सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं क्या? एक वित्तीय वर्ष, अभी तो मैंने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, देखिए जब एक दो क्वेश्चन अगर जो कभी कम हो गलत हो जाए ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल को नीचा नहीं करना है भाई। योद्धा वही होता है ना, योद्धा जो लड़ेगा वही तो हारेगा ना। तो एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक सी है, ये सबसे होगा, ठीक है। तो इसमें डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। अभी तो मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और क्या करते हैं उसमें से घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, कि जो आपके पास है ना उसका आप आकलन नहीं करते हैं कि हमारे पास इतना सारा है, लेकिन जो आपके पास नहीं है ना, लगता है कि जिंदगी में अगर जो ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखिए, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पैसे की क्षेत्र की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो आपसे बेहतर लोग भी हैं, ठीक है, और आपसे नीचे भी लोग हैं, ठीक है। आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल आपसे बहुत बेहतर है, जो पढ़ने में आपसे बहुत अच्छे हैं, और नीचे भी बहुत सारे लोग। तो भैया क्या करना है कि जब भी डीमोटिवेट हो, परेशान हो, आपको लगे कि यार हमको चीज़ें ठीक तरीके से नहीं हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर नए तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं क्या कि एक अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की वास्तविक मांग, आपकी वास्तविक मांग कैसे निर्धारित होगी? एक होती है आपकी मौद्रिक आय, ठीक है, एक आपकी होती है मौद्रिक आय। जैसे मान लीजिए कि आपको नौकरी मिल गई और सरकार ने कहा कि हम आपको 60,000 रुपया सैलरी देंगे, लेकिन अब जब 60,000 रुपया आपकी सैलरी ठीक है बना दी गई, तो अब इसमें से आपको क्या होगा कि आपको कर भी तो देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो इसमें आप मान लीजिए कि 2,000 रुपया अगर जो आप कर दे देते हैं, टैक्स के रूप में दे देते हैं, और तब आपके पास कितना बचा रहेगा? आपके पास 58K बचा रहेगा, अर्थात 58,000 रुपीज़ जो होगा वो आपके पास रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसी पैसे को तो आप व्यय कर सकते हैं ना, और इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 2,000 रुपया तो आपका इनकम टैक्स कट गया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि चलन मुद्रा की आत्मा उसकी इकाइयों में प्रयुक्त किए गए पदार्थों में नहीं, बल्कि उन वैधानिक अध्यादेशों में है जो इसके प्रयोगों का नियमन करते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, फिशर साहब की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो चलन मुद्रा की आत्मा उसकी इकाइयों में प्रयुक्त किए गए पदार्थों में नहीं, बल्कि वैधानिक अध्यादेशों में है जो उसके प्रयोग का नियमन करता है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया वो फिशर के द्वारा दिया गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, बैंक शाख का निर्माता तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, ये बात किसने कही थी? अब ऐसे प्रश्नों में क्या समझाना है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है भैया, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो ऐसे ही पूछा जाएगा। तो ये बात कहा था दोस्तों किसने, शेयर्स के द्वारा कहा गया था कि जो बैंक होते हैं वो शाख के निर्माता होते हैं, अर्थात शाख का निर्माण करते हैं। और सही भी बात है, शाख का निर्माण कौन करता है? बैंक करते हैं, ठीक है। और शाख पे नियंत्रण कौन करता है? RBI करता है, देश का केंद्रीय बैंक करता है। तथा विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है, ये बात शेयर्स के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए, और बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चलाई जा रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं, और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार
इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं एक रणनीति के माध्यम से। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट उत्तराखंड लेक्चरर सॉरी यूजीसी नेट झारखंड टीजीटी पीजीटी झारखंड जेट मध्य प्रदेश सेट मध्य प्रदेश टेट उत्तराखंड लेक्चरर उत्तराखंड एलटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेस में दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना, तब तक केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है और बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अगर जो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार अगर जो सिलेबस कवर हो गया, एक बार इकोनॉमिक्स को सीख लिए समझ लिए, तो फिर आपकी आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को पहचानिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करेंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मतलब सब कुछ को कवर कराया जा रहा है, और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन ले सकते हैं, अगर जो आप एक बार एडमिशन ले रहे हैं, तो जब भी वर्तमान में जो वैकेंसी है उसके लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद जब भी इन फ्यूचर में कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए नया बैच जब भी प्रारंभ होता है आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस जो है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2000 रुपये है। तो आप सिंपली एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आपको इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।